बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना उर्दू का काम जो है वो शुरू करते हैं। आज हम इसकी नई स्टोरी करेंगे, कहानी हकायत सादी, शेख सादी। हकायत सादी आज हम करेंगे। शेख सादी बहुत बड़ा आलिम था, वो एक नेक और परहेजगार इंसान था। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। आपका लकब मुसलुद्दीन और तखल्लुस सादी था। आपके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला शिराजी था। आपके अबाजदाद अरब से हिजरत करके ईरान सुबह शराज में आबाद हो गए। आप 1184 में शराज में पैदा हुए। उस वक्त आपके वालिद साहिब हुकूमत के अहम अहदे पर फायज थे। आपने इब्तदाई तलीम अपने घर और मुकामी मदरसों में हासिल की, फिर आला तलीम हासिल करने के लिए बगदाद चले गए। उन दिनों बगदाद इल्म और अदब का गहवारा था। बड़े बड़े नामवर असातिज़ा बगदाद के मदरसों में लोगों को जेवर तलीम से रास्ता करते थे। तलीम हासिल करने के बाद आप भी लोगों को जेवर तलीम से रास्ता करते थे। तलीम हासिल करने के बाद आप भी उस मदरसे में पढ़ाते रहे। आपको सैर सियाहत का बहुत शौक था। आगे मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज दिखाऊंगी। तहल्लुस, गहवारा, सैर सियाहत, चाबुक, गुस्ताही, आला ज़र्फ, मुसाहिब, अल्फाज मानी है लश्कर, फौज, चाबुक, छांटा, मुसाहिब, मुलाजिम, मुसीबत, मुश्किल, हलाकत, बर्बादी, आला ज़र्फ, बड़ा। हकायत नंबर दो के हैं मुश्किल अल्फाज, चल फिर, कासिर, इंतकाम, भटकना, आंते, लंगड़ी। अल्फाज मायनी, कासिर होना जो चल फिर ना सके, मंजर, नज़ारा, महज, सिर्फ, रिस्क, खाना, गहवारा, घर, परहेजगार, बुराइयों से बचने वाला। आगे है अल्फाज जुमले, सैर सियाहत, पाकिस्तान में सैर सियाहत के लिए एक मशहूर मुल्क है। सबक आमोज, बुज़ुर्गों से सबक आमोज कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। नसीहत, वालदैन बच्चों को हमेशा अच्छी नसीहत ही करते हैं। मुसीबत, मुसीबत के वक्त हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अच्छाई, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई में ही मिलता है।